और कुछ डिस्कशन तो नहीं करते? दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। आज हमारे पास में जो पुरानी जो जानकारी आपके पास में, उसके अलावा 5 पेशेंट अजमेर जिले के और पॉजिटिव आए हैं, उसमें से एक महिला संदिग्ध अवस्था में ब्यावर में उनकी मौत हुई, उसकी जो सैंपलिंग ली वो सैंपलिंग में वो पॉजिटिव आई। जो जानकारी हमें मिली है, उस महिला के कुछ परिजन और भी पॉजिटिव थे, तो वो उस तरीके से पॉजिटिव रही महिला, कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में पॉजिटिव थी, और उनकी शायद अभी जो उनका अंतिम संस्कार है अजमेर के ही शवदाह में होगा, ऐसा हमारी जानकारी मिली है हमको। उसके अलावा एक पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, पुलिस लाइन के निवासी, वो भी पॉजिटिव आए हैं, और एक पेशेंट और वसंत बिहार के जो कि 54 वर्षीय पुरुष हैं, जो कि ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, वो कल भर्ती हुए थे, कल से जब से भर्ती हुए थे जब से सीरियस थे, और अभी उनको रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उन्हें पॉजिटिव वार्ड शिफ्ट किया, और अभी थोड़ी देर पहले उनको वेंटिलेटर लगाया गया, क्योंकि उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 40% ही मेंटेन कर पा रहे थे, कोई ज़्यादा सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। एक किशनगढ़ के पॉजिटिव हैं, वो अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं, शायद किशनगढ़ में उनका इलाज होगा, अगर वो आते हैं तो हम उनका इलाज करने के लिए तैयार हैं। एक पेशेंट पंडिग्राम चौक के पॉजिटिव आए हैं, वो हमारे पास शिफ्ट हो गए हैं। अब तक जो पेशेंट हमारे पास में हैं, वो 11 पेशेंट पॉजिटिव वार्ड में हैं, 11 में से एक पेशेंट को हमने आज डिस्चार्ज किया है, उनके 10 दिन पूरे हो गए थे, पेशेंट लक्षण रहित हैं, उनको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। 10 पेशेंट वो उनमें से जो मैंने बताया, उसमें से एक पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं, 3 पेशेंट ऑक्सीजन पे हैं, और 6 पेशेंट बिना ऑक्सीजन के हैं, उनके कुछ रिपोर्ट बाकी हैं, अगर वो रिपोर्ट ठीक आती हैं तो मैंने कोविड केयर सेंटर में भेज देंगे। सस्पेक्ट वार्ड में हमारे पास अभी तक आज सुबह तक 53 पेशेंट थे, 53 में से 9 कैदी थे और बाकी लोग अन्य थे। 9 के 9 कैदियों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, जेल के जो प्रोटोकॉल हैं, नेगेटिव आने के बाद पुलिस उनको यथास्थान ले जाएगी, और बाकी 20 पेशेंट इसके अलावा और नेगेटिव आए हैं सस्पेक्ट वार्ड के, उसमें से सारे के सारे पेशेंट वो हैं जो कि ऑपरेशन से पहले वाले टेस्ट कराए जाते हैं, उनको अपने रेस्पेक्टिव वार्ड में भेज दिया गया, बाकी बचे पेशेंट की रिपोर्ट अभी 2-3 घंटे में आ जाएगी, उस हिसाब से उनका हम बाइफर्केशन या सेग्रीगेशन कर देंगे। अब तक हमारे पास में कल की जो मौत मिला के टोटल 15 मौतें जे एल एन मेडिकल कॉलेज में हो चुकी हैं, 15 में से दो डेड बॉडीज थी जो जे एल एन में आई नहीं पाए थे, 13 पेशेंट जो यहाँ आने के बाद शांत हुए, और टोटल पेशेंट जो एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं, लेकिन करीब करीब 470 पेशेंट हमारे पास में जे एल एन मेडिकल कॉलेज में पॉजिटिव आ चुके हैं।